से कह रहा तेरा ही फसाना, धोखी हूँ तेरा ये मेरा दिल है दीवाना। दिल दिल से कह रहा तेरा ही फसाना, क्यों बज रहा है हर सु तेरा ही तराना। जोगी हूँ तेरा ये मेरा दिल है दीवाना, दीवाना दीवाना दिल दीवाना तेरा दीवाना। सपने हैं तेरी आंखों में मेरे सपने हैं। जिक्र है तेरा लबों पे मेरे, जिक्र ये तेरा जिक्र में मेरे। समझो मेरी जान दिल जख्मी का फसाना, मुझे आज घर जाके रात का शो जरूर देखना पड़ेगा रिपीट में, ताकि पता चले कितना बेसुरा था। क्या मेरी ऑडियंस बर्दाश्त कर भी सकती है ये कि नहीं, क्या मुझे अगली दफा कोशिश भी करनी चाहिए ये नहीं। तो मेरे ख्याल है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, करनी चाहिए। चलो फिर रात का शो जरूर देखेंगे। भाई हर सेलिब्रिटी की, हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, ठीक है। हर कोई ओवरनाइट फेमस नहीं हो जाता। हाँ कुछ लोग होते हैं जो हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल होती है। मेरी स्ट्रगल, आपकी स्ट्रगल, हर काम के पीछे, सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी की स्ट्रगल ज़रूर होती है। जैसे कि अगर मैं अपना ही बताऊं तो मैं 18 साल की उम्र की थी जब से मैंने काम करना शुरू किया, बिकॉज मुझे हमेशा से था कि मैंने पैसे कमाने हैं, मुझे कुछ करना है, मुझे बस कुछ करना था। पता नहीं क्या करना था लेकिन कुछ करना था। मैंने यहाँ आने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मुझे बस बैंक में काम करना था और मुझे उसका इंटरेस्ट था कि मैं एक दिन कंट्री बिजनेस मैनेजर बनूंगी। मुझे टीचिंग का शौक था तो मैंने टीचिंग भी की, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाए, मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक़ था। मैंने फिर सबसे पहले मैंने ट्यूशन पढ़ाए, उसके बाद मैंने टीचिंग की स्कूल में, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद क्या, हाँ बैंक में उसके बाद मैंने काम किया। उसके बाद फिर क्योंकि मैंने ए लेवल्स के बाद एक साल ऑफ लिया था, तो फिर मुझे लग रहा था अल्लाह मैं बहुत जाहिल फील कर रही हूँ, तो मैंने वापस अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में दूसरा साल ही था कि ऑडिशन मैंने ऐसे ही जा कर दे दिया। मेरे दोस्तों ने कहा क्या होता है वीजे का ऑडिशन है, दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी ऑडियंस है आज, आई लव यू गाइस। वैसे तो रोज ही होती है लेकिन आज बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाली है। वाओ, तुम लोग स्कूल कॉलेज बंक करके तो नहीं आए हो, सब छोटे छोटे यहाँ बैठे हुए हो, क्या करते हो तुम लोग, स्कूल जाते हो, आज नहीं है? अच्छा आज नहीं है, शुक्र बंक नहीं करके आए। कहाँ है प्रिंसिपल, माइक दे इनको। प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनको माइक दे, कितने मजे की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप इनकी दोस्त ज्यादा लग रही हैं। नहीं ये बहुत डरते हैं मुझसे। हाँ अच्छा मुझे बताइएगा कि अक्सर ऐसे बच्चे जो होते हैं जो स्कूल यूनिवर्सिटी में होते हैं, इनको बुरा भी कहा जाता है कि देखो तो पढ़ाई पे इनका इतना ध्यान नहीं है जितना एक्टिंग की तरफ है, ये जितना होस्टिंग करने की तरफ है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनका ज़्यादा ध्यान है। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसको आप लोग पिन पॉइंट करते हो, कहते हैं नहीं इसका तो ध्यान कहीं, पता नहीं क्या करेगी लड़की? हर बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है लेकिन टीचर्स को नहीं पता चलता, वो बहुत बाद में पता चलता। हमें भी कहते थे क्या करेगी ये, वो हमें एक्सप्लॉइट करना पड़ता है।
तो करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो बच्चा आगे होता है वो पढ़ाई में भी अच्छा ही होता है। अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं जो जरा सा अपना वक्त अपनी सब्जेक्ट जो उनको पसंद है उसमें ए लेंगे, बाकी में वो एवरेज होंगे। ऐसा भी होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे हर फील्ड में, हर स्टडीज के एरिया में अपने आप को प्रूव करें। वेरी नाइस। अच्छा जी, मैं ए लेवल्स में जब थी तो मेरी एक टीचर होती थी इकोनॉमिक्स की, मैंने ए लेवल्स में इकोनॉमिक्स लिया था, तो A1 पहला जो साल होता है उन्होंने मुझे स्कूल से अपीयर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा फेल हो जाएगी, स्कूल का नाम बदनाम करेगी ये लड़की, इकोनॉमिक्स अभी ये एलिजिबल नहीं है कि A1 दे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा क्यों यार, मतलब क्यों नहीं मैं दे सकती? तो मुझे स्कूल से अपीयर ही नहीं करने दिया। मेरी अम्मी भी गई, मेरी अम्मी ने भी बात की, उन्होंने कहा नहीं, इसके स्कूल में जो प्रोग्रेस है क्विजेज में और मार्क्स इसके इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम नहीं इसको दे सकते, अब अगले साल ही पूरा पेपर, चार पेपर्स एक साथ दे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो प्राइवेटली दूंगी, और अगर प्राइवेटली दिया तो स्कूल से निकाल देंगे। सो आई या व्हाटएवर, मैं तो दे रही हूँ। तो मैंने प्राइवेटली दी, और मेरे AS में जो पहला साल का जो पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, मेरा A आया। उसके बाद मैं वो टीचर के पास गई, मैंने कहा मैम A, आप कह रही थी मैं फेल हो जाऊंगी, A आया। तो बहुत सी दफ़ा कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं वो आप पे यकीन करने में उनको थोड़ा वक्त लग जाता है, उसके बाद मैं बड़ी अच्छी स्टूडेंट बन गई और स्कूल से नहीं निकाला। ऑलराइट जी, यहाँ कुछ ऐसे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत की उसके बाद आज यहाँ मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली ज़फ़र, एज एन आर्टिस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, स्केच करते थे, उसके बाद अब सिंगर, एक्टर, वी ऑल नो इमरान खान, क्रिकेटर, फवाद, गाने से इन्होंने शुरू किया। EP इनके बैंड का नाम था, मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, टू लव हिम व्हेन ही वाज़ अ सिंगर, अभी भी आई रियली लाइक हिम। नादिया हुसैन डेंटिस्ट, उसके बाद मॉडलिंग, अब एक्टिंग। हमजा ने CSS का इम्तिहान दिया था, बहुत बड़ी बात है कि CSS के इम्तिहान में पास हो गए थे। और अब मैं ऐसे एक और गेस्ट को बुलाने जा रही हूँ जिनके आजकल बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बहुत से चर्चे हैं, सारी लड़कियाँ उनके पीछे क्रेज़ी हुई हुई हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, इनको बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ था। अगर आप आजकल हम टीवी देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। ही इज़ यंग, ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ हैंडसम, एंड ही इज़ बिलाल अब्बास। पाँव ज़मीं पे लगते नहीं हैं, कुछ भी समझ आए ना, साथ तेरे मैं उड़ने लगा हूँ, आँखों से तू जाए ना। रब को मंगा तेरा प्यार ओ सोनिया, तेरे बाजो जीना दुश्वार। रब को मंगा तेरा प्यार ओ सोनिया, तेरे बाजो जीना दुश्वार। बिलाल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक और मेहमान को बुलाने जा रही हूँ। उनको बचपन से ही एक मिनट इनको भी बुलाने, तो ये भी तुम लोगों को बहुत पसंद है, और शी इज़ ब्यूटीफुल, और उनकी एक्टिंग, उनकी बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें सब कुछ कह देती हैं। इनको कुछ नहीं पसंद आए तो आँखों में देख लें, इनको कुछ पसंद आए तो वो भी आँखों में पता चल जाता है। बचपन से इनकी ख्वाहिश थी कि इंडिपेंडेंट होए, खुद से कमाएं, कुछ करें, नाम बनाए, तो बना लिया इन्होंने अपना नाम और अपने खानदान का नाम भी बड़ा रोशन किया। जोरदार तालियों में ये एक्टर एक्ट्रेस तो हैं ही, लेकिन आज एक और अंदाज हम आपको बताएंगे इनका। लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल सज्जल अली।
दोनों मेरे साथ बिलाल अब्बास एंड सज्जल अली मौजूद है. कैसे आप दोनों? I'm good, अच्छे लग रहे हैं दोनों, बहुत क्यूट लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू सो मच. ओके जी, तो मैं अपनी देखने वालों को एक बात कह के गई थी, बता के गई थी, लड़की बनने वाला क्या चक्कर था स्कूल में? पहले आप ये बताएं, आपको बताया किसने? मुझे भाई, हमारी सोर्सेज बहुत है, बहुत तगड़ी स्कूल तक पहुंच जाते हैं हम तो. अच्छा, वेल मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ, बहुत एम्बैरेसिंग वो है किस्सा है, मेरी पूरी स्कूल लाइफ मैंने गुजारी हॉस्टल में. पूरी स्कूल लाइफ एम्बैरेसिंग है? नहीं, सिर्फ वो इंसिडेंट. और हॉस्टल में गुजारी है, वो एक आर्मी स्कूल था, और वहाँ पे क्योंकि बहुत मैं आर्मी में, मेरा इतना शौक नहीं था, मेरी वालदा का बहुत फरमान था कि मैं आर्मी में जाऊँ, कि मेरा बेटा आर्मी में जाए. आर्मी में जाए, वो अभी भी शायद, आई डोंट थिंक सो दैट वो दिली दिल में उनकी यही होती, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती, बट माई फादर इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल. बट खैर, तो जब मैं वहाँ पे गया, आर्मी की ट्रेनिंग बहुत इंटेंस, बहुत टफ, सो स्पोर्ट्स में मुझे कोई टीम में रखता नहीं था, मुझे इतना अच्छा स्पोर्ट्स आता नहीं था, सो देयर वाज ओनली वन थिंग लेफ्ट, वो थी ये थिएटर. कि थिएटर कर लो, आर्मी की ट्रेनिंग से बच जाओगे, स्पोर्ट्स से बच जाओगे और बाकी चीज़ों से, तो थिएटर कर लो. क्योंकि वो ऑल वो था, ऑल बॉयज़ था, इट वॉजेंट को, तो मैं थिएटर करने लगा. तो वहाँ पे किसी ना किसी को लड़की बनना होता था थिएटर में. उस टाइम पे मेरी दाढ़ी मूछें भी नहीं थी. अच्छा, एक टाइम होता है जब लड़के बड़ी कोशिश करते हैं, रेजर भी मैं उनमें से हूँ. मैं वाकई बहुत कोशिश करता था, आ जाए उल्टा रेजर कुछ आ जाए. अच्छा, मैंने मोस्टली लड़कों को, अली को भी बहुत शौक था. अब मैं कहती अली बेटा अभी नहीं आई, नहीं आ गई, पागल है, मैंने शेव कर लिया. हर चीज ट्राई की थी कि बस किसी तरह दाढ़ी आ जाए. And I was in 7th standard at that point of time. 7th standard se koshish kar raha daadi aaj. Nahi nahi, us time to theater karne start kiya tha. Okay, maine kaha god. So pyara sa, skin bhi achhi thi, cute sa ladka tha, to teachers ne bola chalo bhai isko ladki, isko ladki bana do. Acha, us time pe itni like, us time pe sirf ye tha ki sirf mujhe us training se bachna hai, that's it. Ha, aur usliye main ban raha tha ladki, bachna hai. Ab main ladki ban ke, I still remember, lal dupatta pehen ke stage pe bhag raha hu idhar se udhar. To That was so, दोस्त मजाक नहीं उड़ाते थे? उड़ाते थे, बट दो साल ये किया, उसके बाद तीसरे साल जब, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्टर अच्छा था ही नहीं. अच्छा. वहाँ पे सब आर्मी वाले, तो उनमें से आई वॉज कंसिडर्ड एज टू बी समवन हु इज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग. तो उस टाइम से उनमें से नहीं, उस उनमें तो वो सब इतने कच्चे थे, लेकिन होगा वो, क्योंकि उनमें मैं सबसे पक्का था. हाँ, हो सकता है. तो उनमें से पक्का था. थर्ड ईयर जाके फिर मैंने एक प्रॉपर सीरियस, मुझे मेल ओरिएंटेड थिएटर उन्होंने कैरेक्टर दिया. मुबारक हो. सक्सेस मिली मुझे वहाँ से, थोड़ा प्रमोशन मिला. लड़की बन बन के फाइनली लड़के के रोल में आई. लड़की बनने के बाद आई स्टिल रिमेंबर आई वाज टॉर्चर्ड बैडली. रियली? व्हाई? बाय द यू नो सी इट वाज ऑल बॉयज एंड वो आर्मी का वहाँ पे वो एक माइंडसेट जो होता है. सो यू नो दे यूज्ड टू टॉर्चर मी, यार तू क्या कर रहा है, यू नो दिस इज नॉट कूल. लाइक बेइज्जती करते थे, बेइज्जती बनते हो. बट मुझे सिर्फ ये था कि खैर मुझे ट्रेनिंग से बचना है. हाँ. मुझे यही चीज. अच्छा, कितनी अजीब सी बात है ना, कितना कोइंसिडेंस है कि आप बचपन में लड़की बनते थे, वो बचपन में मासी बनती थी. तुमको मासी बनी? हाँ यार, बस अम्मी के साथ अम्मी के साथ बाजार जाती थी, तो दुपट्टा सर पे रख के यूं मुंह पे करके बस बाजी बाजी सलाम, पता नहीं क्या हरकतें करती थी. वैसे अभी भी ऐसी है, तुम्हें ऐसे नहीं कि मासी अभी भी बनती है, बट ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में भी ना, ये कोई ना कोई कैरेक्टर आप पिक कर लो, ये कोई ना कोई कैरेक्टर रोज किसी कैरेक्टर में होती है, ये रोज किसी डिफरेंट कैरेक्टर में होती है. तो सजल आज किस कैरेक्टर में हो? आज सस्ती के शायद. हाँ? हाँ. शायद श्योर नहीं है? नहीं, बस आधी सजल आधी सस्ती. लेकिन वो और कोई ऐसा कैरेक्टर जो तुम्हें बड़ा पसंद है, जो आ जाता है कभी कभार अंदर? अच्छा, वो डिपेंड करता है, अगर मेरे सामने कोई मजेदार या कुछ अजीब किस्म की कोई मखलूक आ जाए, कोई कैरेक्टर मुझे मिल जाए, तो मैं फौरन वो यू नो उसकी मैं मिमिक्री करना शुरू कर देती हूँ. हाँ, लेकिन वो बीच का वो बहुत छोटी थी मैं जब मासी वाला फेस है, उसके बाद मुझे ना वो एक्टिंग वाला पता नहीं अंदर से था कि, तो वो एक गाना आया था नन्ना रे नन्ना रे, तो मैं मुझे याद है मैं क्लास में ना बिल्कुल वो बैठ के उसके स्टेप्स थे ना ऐश्वर्या के नन्ना रे वो करती थी. तो इनफैक्ट मेरी दोस्तों की बहुत सारी लड़कियों की शादियां भी हो गई ना, तो वो मुझे कॉल्स या मैसेजेस करती थी, तो आखिर तुम बन गई ना एक्ट्रेस, बन गई ना. तो ये कब से, कौन से क्लास से तुम्हारी ये? आई वाज इन सेवेंथ. सेवेंथ से तुम्हें शौक था एक्टिंग करने का, ये कैरेक्टर्स को तुम वो करने शुरू. अच्छा, तुम मिमिक्री बहुत अच्छी करती हो मैंने सुना है, अभी तुमने बोला भी है. किसी की भी कर लेती हो? बिलाल की भी कर लोगी? नहीं, बिलाल मतलब इस तरह से नहीं. आप या तो काफी दिन से उस इंसान को देखते आ रहे हो, जैसे अगर शूट पे बिलाल तो खैर मासूम सा है, इसको बहुत शुक्रिया. कुछ लोग जो टेलीविजन पे आते हैं, जिनको अक्सर देखा होता है, क्या दो चार दफा ही देखना होता है, जो उनकी एक ही लाइन होती है, वो तो तुम कर ही लोगी?
हाँ लेकिन मुझे अभी याद करना पड़ेगा। तुम मेरी कर सकती हो? How I host the show, जिस तरह मैं शुरू करती हूँ। नहीं नहीं मुश्किल है नहीं, मैं आई वॉन्ट माइंड। हाँ मुझे तो मजा आएगा, मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ, है ना? हो रहे ना मुझे एक्साइटेड? नहीं 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 अभी नहीं हो पाएगी। ये करती है मुझे लग रहा है करती है, तुम हंस रहे हो। नहीं ये इसके मूड पे डिपेंड करता है, ऑनेस्टली इसके मूड पे डिपेंड करता है। चलो चलो आहिस्ता आहिस्ता अभी शो खुलेगा, अभी दूसरे तीसरे सेगमेंट तो खुद ही करने शुरू हो जाएगी। ओके जी, सो नुमान एजाज सर हमेशा काम करना चाहते थे, जब देखा मेरा साई में नुमान एजाज को तो हमेशा से था कि यार मैंने इस एक्टर के साथ काम। यू नो मैंने कभी वैसे इतने ड्रामे नहीं देखे थे, बट मेरा साई वॉज द ओनली सीरियल जो कि मेरे घर में बहुत प्रॉपरली फॉलो होता था। सो उस टाइम पे मुझे एक्टिंग के बारे में इतना कोई इल्म भी नहीं था, तो जब आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने मेरा साई देखा, सो आई एक्चुअली गॉट स्केयर्ड ऑफ हिम, उनका जो कैरेक्टर था उसके अंदर। तो जब मुझे मेरा पहला सीरियल मिला, सो उस वक्त यही नहीं था कि यार आई विल बी गेटिंग अ चांस टू एक्ट विद नुमान एजाज। उस टाइम पे ये था यार मेरा साई में जो था, सो कैरेक्टर एंड माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम वाज, आई स्टिल रिमेंबर, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट, कि जब मैं उनका पहली बार एक्ट कर रहा था, वो एक होता है दैट यू नो ही हैज दैट पर्सोना एंड ही नोज हिज क्राफ्ट very well, he's a damn good actor, so वो जो उनकी प्लस बड़ी बड़ी आंखें एंड वो जब इंटेंस सीन्स में वो जब आपको फुल एक इंटेंस लुक देते हैं ना, सो इट स्केयर्स यू लाइक एनीथिंग। सो हुआ कि तुम एकदम से ब्लैंक हो गए? मैं ब्लैंक, आई गॉट ब्लैंक इनिशियली, बट ही वाज रियली स्वीट, वो बहुत ज़्यादा मुझे पैम्पर करने लगे एंड ही रियलाइज इंस्टेंटली कि यार आई एम बीइंग स्टार स्ट्रक, और मैं अभी बहुत कॉन्शियस हो रहा हूँ। सो सीन के बाद ही सैट विद मी, हाँ मेरे साथ बैठे तो की बातें की, फिर सीन के बाद टिल डेट ही इज बीन रियली हेल्पफुल। मैं मुझे याद आ गया अपना पूरा रंगरेजा का शूट के दिन मैं ब्लैंक हो गई सनम, और मुझे लिटरली जैसे अभी मेरी लाइन आने वाली है, मास्टर हाँ. चल रहा है, मास्टर में तो आपको याद ही होता है हाँ, ताज़ा हाँ. ताज़ा, बस आप भी आप हाँ, बस ओके एक्शन, और मेरी लाइन आई और मैं कही थी सॉरी मेरी लाइन क्या थी, और ऐसा मतलब आधे सीन से मैं उठ गई, मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड रंगरेजा में हम लोग, मुझे याद है हम लोग नुमान एजाज से बिठा के दोनों को समझा रहे भाई क्या हो गया रिलैक्स, वो कहते थे कि पुत्र रिलैक्स हो जाए, हम लोग यही चीज डिस्कस करते थे कि हमारे जब पता चलता था हम दोनों का सीन है, सो हम लोग चिल होते थे कि चलो ठीक है, हम चलो दोनों ही ब्लैंक होंगे ना अकेला, नहीं हम लोग ब्लैंक नहीं, बट एक वी हैड दैट सॉर्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी कि हमें पता हो जाएगा, बट हम लोग का एक होता था कि यार तुम्हारा नुमान भाई के साथ सीन है, सो शी वाज लाइक ओके मेरा सीन है, शिट मेरा होता था तो मुझे डर लगता था, तो एक चीज पहले ही पूछ लेती थी कि मुझे जल्दी अपने एडी से कल कौन कौन है सेट पे, नुमान भाई सीन है मेरा, सीन भेज दो जल्दी से। ओके जी, यहाँ मेरे पास कुछ दोस्त मौजूद हैं जो बड़ी एक्साइटेड हैं आज, मुझे बहुत क्यूट क्यूट दोस्त दिख रही हैं और इनकी कुछ ख्वाहिशें हैं, ठीक है? तो सबसे पहले किसकी ख्वाहिश हम पूरी करें इनकी? जी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिलाल अब्बास की, और मैं उनके साथ कुछ सीन करना चाहूँगी वहाँ कर। किस चीज़ का सीन? रो रंगरेजा ड्रामे का सीन करना चाहूँगी। आजा आजा। तो मैं कासिम बन के एक्टिंग करूँ पूरी? हाँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामने आ जाए, सामने इधर आ जाइए। क्यूट। लाइन याद है आपको? नहीं ट्राई कर सकती हूँ। चलो ठीक है, बना लेगी वो ऑन द स्पॉट। हाँ बनाने की कोशिश करेंगे। ओके फिर आपने सजल की तरह बोलना पड़ेगा। ट्राई कर सकती हूँ। चलो चलो मैं आपको क्यू देती हूँ। मैं कासिम, आप ससी। चलो एक्शन। आप सोच लें आराम से। कुछ भी बोल दो। आप छत पे खड़े हो लड़कियों को उतारते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप सारे दिन छत पे खड़े होते हैं, ऊपर से लड़कियों को देखते हैं, क्यों देखते हैं आप लड़कियों को? नहीं देखते। आप नहीं देखते? पसंद से नहीं। ज्यादा शरीफ होने की जरूरत नहीं है, आप देखते हैं सच्ची वो हमारे। अगर आपको हिम्मत है तो हमारी गली में आकर लड़कियों को ताड़ो ना। पसंद से सच्ची वो हमारे पीछे। ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है आपको, इतने अभी शरीफ बन रहे हैं और छत पे खड़े होकर ऐसे बड़ी बड़ी आँखें, इतने अपनी आँखें नहीं कंचे ऐसी आँखें आपकी, इतनी बड़ी थैंक यू जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। सुनिए रुकिए रुकिए, एक मिनट एक्सक्यूज मी, आवाज़ ही नहीं निकल रही आज मेरी, एक्सक्यूज मी।
पता क्या है, मैं भी हैरान होगी। ऐसा क्या है? मैं तो पहले से ही हैरान हूँ बिलास को देखकर। मुबारक हो सेल फोन। अरे जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मुझे बताओ कोई ऐसी ख्वाहिश जो हमेशा से दिल में हो कि भाई ये मेरी ख्वाहिश जो पूरी हो गई हो। मेरी ख्वाहिश थी एक्टर बनने की, ना बन गया एक्टर, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी कोई डिजायर नहीं थी बचपन, बस एक्टिंग, नथिंग एल्स। एक्टर बनना था, ख्वाहिश पूरी हुई। क्या बात है, इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में ख्वाहिश पूरी होगी। आपकी ख्वाहिश? वैसे बिलाल बड़ा कोइंसिडेंस, अभी हम पीछे थे तो मैंने कहा कि मेरी भी यही ख्वाहिश है यार, अपनी ख्वाहिश चेंज कर। मैंने कहा मैं कैसे अभी अचानक से ख्वाहिश चेंज करूं? अपनी ख्वाहिश तुम अपनी चेंज करो। और वो दूसरी बात, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई थी ना काम शुरू। नहीं, मुझे एक्टिंग का ही शौक था, लेकिन मैंने कुछ डिसाइड, वो वाली ये जो थी ना, आपने कोई एग्जैक्टली डिसाइड नहीं किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। हाँ, कि मतलब कभी मासी बन रही हूँ तो कभी सोच रही हूँ रोल में आऊंगी, हीरोइन मासी क्या है। हाँ, लेकिन शौक था एक्टिंग का, मुझे शौक था, मतलब वो डांस और हीरोइन वाली, वो वाली चीज थी। अच्छा। क्योंकि मैं डिबेट्स भी करती थी स्कूल में, और जब नाच कॉम्पिटिशन होता था तो मैं करती ये थी कि मैं एक्टिंग करती थी नाथ के बीच में, बस रोने की ना, कि बस लोग रो पड़े और सब कहते थे रुला दिया और मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाता था, और मैं कहती मैं तो एक्टिंग करी थी। रोई हो यार तुमने, क्या जिक्र इलाही किया है और तुम रोई, और मैं वो एक्टिंग कर रही होती थी बीच में। मतलब कि ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक्टर बहुत अंदर भरा हुआ था। हाँ, लेकिन कहीं कहीं तुमने कहा कि मैं कहीं कहीं तो निकालूंगा। जबकि पहला ऑडिशन जब मैंने दिया था तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी आवाज़ बहुत पतली। अच्छा, और रिजेक्ट किया था किस कब? अनवर मकसूद साहब को। मैं okay. मैं भी अपनी आवाज़ की वजह से रिजेक्ट हो चुका हूँ थिएटर में। थिएटर दोनों रिजेक्ट okay. सोचो यार, रिजेक्टेड लोग इधर बैठे हुए। अच्छा, मैं भी रिजेक्ट हुई थी सबसे पहले, तो यूँ क्यों देख रही हो? सच में दिल वसर में मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, ये लड़की से एक्टिंग नहीं होगी, आप किसको लेके आ रही है? बड़ा कोई सीन हुआ था, और रूमी इंशा डायरेक्टर थे, को करना था डायरेक्ट, और मेरा ऑडिशन उन्होंने देखा और उन्होंने कहा नो शी कांट एक्ट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो अब मुझे वैसे भी करनी नहीं थी, तो मुझे नीना कह रही थी, मैंने कहा नहीं, दिस इज़ सो एम्बैरेसिंग नीना, एक तो तुमने मुझे बुलाया, मुझसे ऑडिशन करवाया, उसके बाद मुझे रिजेक्ट करवा के मुझे कॉल कर रही हो कि सॉरी यार सर, हम कोई और सीरियल करेंगे। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है। आई थिंक कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ रिजेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। और इत्तेफाक की बात है, उसके बाद डायरेक्टर चेंज हुआ, डायरेक्टर ने कहा मैंने इसी के साथ करना है, साजिको के फाइन। तो बड़ा ज़रूरी है आपको ज़िंदगी में रिजेक्ट होना भी, मुझे लगता है। जो ये देखिए रिजेक्टेड लोग इधर बैठे हुए हैं, जब तक रिजेक्ट नहीं होते आप सीखते नहीं, तो कभी तुम लोग को बुरा नहीं लगा कि यार रिजेक्ट कर दिया, एक्टिंग का इतना शौक है, अब क्या होगा? और अनवर मकसूद साहब ने कर दिया, ओहो अब तो बस खत्म। बट यू नो इनिशियली आई यूज्ड टू फील बैड, बट नाउ आई एम यूज्ड टू नाउ, वो होता है। आई बिलीव दैट रिजेक्ट होते हैं। नहीं रिजेक्शन यार थोड़ा, मैं तो बहुत होता हूं ऑनेस्टली, ऑन एंड ऑफ। क्यों? नहीं तुम्हें क्या पता, मुझे पता है ना। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। नहीं बट पगले। बट ऑनेस्टली स्टार्ट में जब वो थिएटर में रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वो ये थी कि बात मेरी आवाज़ में इतनी बेस नहीं है, और तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बट स्टार्ट में आई यूज टू गेट वेरी डिप्रेस्ड ओवर स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि यार ये रिजेक्ट हो गया। बट नाउ आई एम यूज टू, नाउ कोई भी बात होती है इट यू नो इट कीप्स यू गोइंग, आपको होता है कि बस काम करते हो। ठीक है जी, हम आपको एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। बहुत सारे सवाल मेरे पास है, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें। बिलाल के अब्बू क्या सोचते हैं उनकी एक्टिंग के बारे में, इनकी अम्मी को क्यों नहीं पसंद कि ये एक्टर इस फील्ड में आ गए, और यहाँ ऐसा मसला नहीं है, इनकी अम्मी चाहती ही थी कि ये एक्टिंग करे और बहुत सपोर्ट किया। आपको एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। अगर आप इनसे कोई फरमाइश या फिर कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, आपकी कॉल का हमें इंतजार है। इस ब्रेक के बाद मिलते, देखते रहिए जागो पाकिस्तान। कासिम बंद मोहम्मद आबिद, आपको ससी बंद के आम साल ही अपने नकाम कबूल है। मैं घर छोड़ के आई हूँ, मेरी शादी छोड़ कर आई हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। फर्ज करो तुम सोनिया, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहता? मैंने इससे कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। मैंने मत खा झूठी कसमें,
तुम सबने मिलकर ये ड्रामा किया है। नहीं, नहीं, रुकिए। वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो या बस यूं ही? बस यूं ही रखा हुआ है। यहाँ मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो सवाल करना चाहती हैं, तो मैंने कहा यहीं से डायरेक्ट हम शुरू करते शो। जी, आपका नाम क्या है? बिशा। बिशा, बिशा, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। क्या मतलब है आपके नाम का? गुड न्यूज़। गुड न्यूज़, हाँ, स्वीट। ओके जी, तो बिशा क्या सवाल करेंगे और किससे सवाल करेंगी? मैं सज्जल से सवाल करूँगी। ओके सज्जल, आप क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी 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 जी। आप लाइफ में कब शादी करेंगी और कैसा लड़का चाहती हैं? लाइफ में, याद रखें, लाइफ में कब शादी। देखिए लाइफ तो बड़ी लंबी भी हो सकती है, अभी कोई इरादा नहीं है, लेकिन और कैसा होगा ये भी मैंने एक्चुअली अपनी फैमिली पे छोड़ दिया है। Really? अली पे, स्पेशली अली, आई वॉन्ट हिम टू डिसाइड। किस पे? है ना, किस पे छोड़ दिया? अली, मेरा भाई। हाँ। अरे हाँ, लास्ट टाइम। हाँ। मैं चाहती हूँ वो ढूंढेगा, वो जिससे कहेगा मैं कर लूंगी। तो तुमने अली को कोई गाइडलाइंस नहीं दी हुई कि इस तरह का होना चाहिए, लंबा शॉर्ट या फिर दिल ऐसा होना अच्छा, चाहिए? अली वो मुझे जितना प्यार करता है ना, और उसको लगता है कि मैं कोई लिटरली कोई परी हूँ, वो मुझे ऐसे देखेगा, मेरी ऐसी तारीफ करता है, तो ऑब्वियसली वो जो भी ढूंढेगा वो अच्छा ही होगा। अच्छा तो सुनो सज्जल, लोगों के कोई डेडलाइंस होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं 26 में, 29 में, 30 से पहले व्हाटएवर शादी कर लूँगी या कर लूँगा, इतना सेटल होके और नाम बना के। तो तुमने कुछ सोचा है यार बस आई थिंक यहाँ कर लेनी चाहिए, 2 साल 4 साल या अभी तो बहुत टाइम है, 5 साल या अब जैसी अली कहेगा वैसी कर लूँगी? नहीं ऐसा भी कल नहीं बोलेगा मैं कर लूँगी। सोच लो, शादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इतनी जल्दी नहीं, लेकिन मुझे लगता है जब आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए और आप फिर यही सोचें खूब से खूब तर की तलाश कोई और, तो आई थिंक कोई बेहतर इंसान पे रुक जाना चाहिए। तो अगर मुझे लगेगा कि ये एक अच्छा मुकम्मल पैकेज है तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं कर लूँगी। आई थिंक यस। नहीं, शी इज कन्फ्यूज, शी इज लाइक मैन शादी व्हाट, आई नो, दिल ही दिल में वो डर रही है कि शादी से। यहाँ कितने लोग शादीशुदा हैं? 1, 2, 3, 4 माइक पे बताएं, शादी कितनी खूबसूरत है या फिर जैसी भी है, आप इनको सजेस्ट करेंगे शादी कर लें? आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, शादी माइक इज नॉट, माइक ऑन है। शादी जितना खतरनाक लगती है इतनी है नहीं, मुझे लगा तो है, नहीं करनी तो है कभी ना कभी लाइफ में, जो खाए वो पछताए। हाँ। जो ना खाए वो भी पछताए। अगर नहीं करेंगी तो ये होगा कि नहीं की अभी तक, करनी तो है आज नहीं तो कल। लेकिन क्योंकि आपकी शादी हुई भी है तो ये बताएं कि जल्दी कर लेनी चाहिए, जरा सा आराम से करनी चाहिए? नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले जरा थोड़ा अपनी स्टडीज अपनी पूरी करनी चाहिए, जितना आप पढ़ सकती हैं जो कुछ कर सकती हैं लाइफ में, लेकिन ये है कि करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन जल्दी नहीं करनी जल्दी चाहिए। इतनी जल्दी भी नहीं या कोई है जो कहते हैं शादी जल्दी करनी चाहिए? आप कहती हैं शादी जल्दी करनी चाहिए, ये नहीं जल्दी करनी चाहिए? माइक दे ऊपर, जल्दी से दे माइक ऊपर दे क्विकली जी। अस्सलाम वालेकुम सज्जल जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद से आई हूँ। अच्छा जी। और मैं ज़रूर कहूँगी कि जल्दी करनी चाहिए, आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होना चाहिए जिस तरह के मेरे हस्बैंड हैं। और अगर वो अच्छा लाइफ पार्टनर जल्दी ना मिले? नहीं, मेरे ख्याल से आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह सोचेंगी उसी तरह आपकी लाइफ हो जाती है, अल्लाह ताला वैसी बना देता है। और मैं बहुत दूर से आई हूँ हैदराबाद से, मेरे बेटे सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए, उनका नाम भी कासिम है। कहाँ है? स्वीट, ये छोटू ऊपर है। अरे इतना छोटू, बड़ा हो। मैं भी कासिम वाली, मैंने कहा कहाँ है, लगता है कोई बाहर खड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम कैसे हैं आप? ठीक हूं। ये क्या लड़कियों में क्या बैठे हो हैं? क्या लड़कियों को क्यों ताड़ रहे हो तुम बैठ के? मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। अरे यार सो स्वीट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वीट। आ जाओ। हाय अल्लाह, छोटा सा बेबी। हाय सो क्यूट। चूड़ियां हैदराबाद की। सेल्फी भी। हाँ सेल्फी भी ले। शार, शार, शार। और चूड़ियाँ पहन लो ना सज्जल, पहन ली, इतनी प्यारी है।
और हैदराबाद की चूड़ियाँ तो बड़ी मशहूर होती हैं। दे एक्चुअली ब्यूटीफुल यू नो। हाँ तुम्हारे जोड़े से मैच भी कर रही हैं। बीच में दबा दूँ सजल एक पिक्चर में सजल। स्वीट थैंक यू इधर आओ। थैंक यू सो मच। तुम मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें जरूर तोहफा दूंगी तुम्हारी अम्मा के लिए ओके। क्या मिला तुम्हें मुझे दिखा। मुझे एक्साइटमेंट बहुत होती है इमोशनल मैं तो हो जाती हूं। स्वीट थैंक यू सो मच। थैंक यू शॉल बहुत शुक्रिया। ये कुर्ते का कपड़ा ये कुर्ते का कपड़ा है और तुमने बनाना जरूर है। हाँ जी बिल्कुल मुझे डार्क कलर वैसे ही बहुत पसंद है। खींच के हमें भेजनी है ताकि हम ऑन एयर दिखा सके कि तुमने छोटे से कासिम के गिफ्ट को एक्सेप्ट किया और कासिम के लिए कासिम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। मेरे पास एक कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं सनम। अल्हम्दुलिल्लाह मिसेस शाहिद बात कर रही हूं। जी आज किससे बात करना चाहती हैं ये दोनों से बात। तो आपसे भी सबसे पहले और जो गेस्ट आए जबरदस्त भाई मैं तो इनका ड्रामा छोड़ती नहीं हूँ। कितना जबरदस्त और अंग्रेजा आ रहे ड्रामा। और बिलाल की एक्टिंग सज्जन का तो जवाब ही नहीं कि तो मैं दूसरा भी ड्रामा इनका आ रहा है हमसे ही मंगल को जो आता है और बिलाल की एक्टिंग है जवाब नहीं मुझे। इतनी प्यारी एक्टिंग की है कि रेयर लगते हैं। और मैं तो सज्जल से दोनों से कहूँगी एक लाइन ज़रूर बताएं जो ये गाड़ी में बैठे होते हैं इनका रिश्ता हो जाता है। सज्जल को पता ही नहीं किससे हुआ है जी। जब ये बैठते नहीं ये तो हंस रहे होते हैं इनके तो मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। बस सज्जल कहते तुम क्यों हंस रहे तुम्हारे क्यों दांत बाहर निकले। इतनी अच्छी वो लाइन लगी है ना मुझे। थैंक यू सो मच। मुझे पूरे याद नहीं आ रहा मगर बहुत ही प्यारा था। अच्छा मिसेस शायद आप ना आप अपनी स्क्रीन देखें टीवी की और हम वो वाली लाइन ना इनसे करवा लेते। बिल्कुल हर मतलब गुफ्तगू बड़ी अच्छी जबरदस्त लगती है जो ड्रामे में रियल लग रहा होता है लगता ही नहीं है कि नहीं ये प्ले कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट आपके घर बहुत जल्द पहुँच जाएगा। ये वो लाइन तो करके दिखा दो वो जो सीन है छोटा सा वो लाइन याद है उसको याद है वो मुझे अपनी लाइन याद है आपकी तुम्हारी तो बता दी ना उन्होंने वो ये देख लो। अच्छा मैं ड्राइव कर रहा हूँ तुम सीन में ठीक है ऐसे क्या देख रहे हो मुझे तो अभी देखेंगे सॉरी। अच्छा ओके चलें ऐसे क्या देख रहे हो एक ही बात क्या थी लाइन क्यूट वो बेचारा उसको इशारे कर रहा हूँ तुम्हारे लाइन क्या थी ऐसे क्या मुझे ताड़ रहे हो हैं और ये मिसनी बिल्ली की तरह क्या मुझे ताड़ते रहते हैं। अच्छा आई लव दिस है ओके जी। अब्बू ने सपोर्ट किया अम्मी ने नहीं की। अम्मी भी सपोर्ट करती हैं बट एक्टिंग को लेके अम्मी अभी तक अब थोड़ा सा हो गई है अब वो जब वो बाहर से थोड़ा सा अच्छा फीडबैक सुनती हैं जब वो देखती हैं। तो कभी अम्मा अब्बू के साथ गए हो रेस्टोरेंट खाने पे शॉपिंग मॉल और बहुत सारे फैंस आ गए हो तो अम्मी के क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। अब होने लगा है एंड अल्हम्दुलिल्लाह कोई ढंग की नौकरी करो जब रिश्ता शादी नहीं होगी। तुम किसी एक्टर से शादी करोगी क्या। I don't think so. क्यों? वो देखो बेचारा एक्टर साथ में ही बैठा। अच्छा तुम भी नहीं करोगे? क्यों? दोनों की reasons पूछूंगी। सबसे पहले सज्जल क्यों? अच्छा क्योंकि मैं आप शूट्स पे होते हैं मोस्टली तो आप जब घर आए तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो एटलीस्ट टीवी पे ना आता हो। क्यों? क्योंकि आप खुद भी थक जाते हैं ना मतलब काम करके वही लोग मतलब हर वक्त आपको अपना भी टाइम चाहिए होता है। मतलब आप कह रही हैं कि वो भी थक जाएंगे आप भी थक जाएंगे या फिर जनरली आप नहीं वो तो ना ही थके अगर उनका थकना तो नहीं बनता बिल्कुल। वो भी अगर एक्टर है तो वो क्यों नहीं थक सकता। आई थिंक वही वाली बात है मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कोई ढंग का काम करे ढंग का काम करे। देखो तो खुद ये काम करके मैं चाह रही हूँ कोई ढंग का काम करे।
मतलब तुम जो काम करी वो ढंग का नहीं है? नहीं है obviously, मतलब लेकिन इससे ज्यादा ढंग का काम करे, इससे थोड़ा और ढंग का। ठीक है, हाँ, यहाँ क्यों एक्ट्रेस से शादी नहीं करे? कोई बुराई नहीं है, बट ऑनेस्टली मेरा मुझे वही इस फील्ड से बाहर कुछ सोचना है, मुझे एक आउटसाइडर के साथ रहना है, मैं एक अपनी स्पेस, एक अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। एक आप बाहर काम कर रहे हैं और आपकी बीवी भी एक एक्ट्रेस हो, आप एक एक्टर हो, तो एक दोनों एक पब्लिक फिगर हो, फिर घर में भी आके वही एटमॉस्फेयर आपको वो हो रहा हो। सो एक आई जस्ट वांट टू ब्रेक दैट थिंग कि बस घर आ जाओ, सो आप घर पे आपको घर वाली फील हो, फैमिली घर पे एक्ट्रेस नहीं चाहिए। ओके, सी दीज गाइज आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। मैं आपको बता दूं, इनकी किसी भी रीजन से मैं 100%, चलो उसने फिर भी थोड़ा बहुत बोला, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुई हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था नहीं, मैं क्यों एक्टर, मैं किसी एक्टर से शादी नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँगी। तो आप मुझसे पूछ रहे क्यों क्यों, तो मैंने भी सोचा हाँ यार क्यों, ये क्या है कि मैं नहीं करूँगी। तो मैंने कहा यार टू बी ऑनेस्ट, नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो कहेगा आई लव यू इसको, फिर आई लव यू इसको, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो मेरा तो ये रीज़न था कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं देखूँ कि यार इस ड्रामे में वो उसके साथ रोमांस कर रहा है, दूसरे ड्रामे में वो उसके साथ कर रहा है, रियल नहीं लगेगा जब वो मेरे साथ कुछ कह भी रहा होगा। क्यों सचल, यही रीज़न है? आई नो, लेकिन फिर अब अगर आगे से फिर कोई सवाल ये कर ले कि आप भी तो एक्टिंग करती हैं, हाँ, मैं फिर जवाब नहीं दे पाऊंगी ना। नहीं आता, मैंने वहाँ हमें करूँ कोई बात नहीं, मैं कहाँ से कर रही हूँ, जब से शादी हुई एक ड्रामा नहीं किया मैंने, एक ही नहीं किया। नहीं छोड़ो, मेरा इंटरव्यू शुरू हो जाएगा इधर, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट जी, यहाँ कुछ सवाल मेरे पास है आप दोनों के लिए, आपने बस जवाब देना लेकिन नजर आके, ठीक है? सबसे पहले सजल आ जाओ, ठीक है? पहला सवाल, अगर डायरेक्टर मुझसे ज़्यादा मेरे को स्टार्स को अहमियत दे तो मैं क्या करूँगी? सच बताना। ऐसा होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, रियली? देखिए उस, हाँ बताओ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? झूठी, आप बताइए। कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे लिटरली बिलाल, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मैं हम लोग जब रंगरेजा कर रहे थे, एक दो सीन्स कुछ ऐसे थे जिसमें मैं सजल से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करके, तो डायरेक्टर ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी थी। हाँ। तो शी वॉज लाइक, अच्छा डायरेक्टर के सामने कुछ नहीं कहा उन्होंने। हाँ। जैसे ही जब वो आगे पीछे गए, अगले सीन में मिले। <बता दियो। laughs> क्यूट, ठीक है। अगर मेरी कंपेटिटर सेलिब्रिटी की फिल्म फ्लॉप हो जाए तो? देखिए डिपेंड करता है कि मेरी उनसे काफी पसंद नहीं हो। नहीं। तो देखिए मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भरपूर खुशी होगी। अच्छा, ऐसे कोई है जिन्हें तुम पसंद नहीं करती? नहीं, तुम यहाँ तक आई हो इसका मतलब है मुझसे बहुत सारे, अभी कोई रिसेंटली मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए और बहुत सारे लोग नाराज भी हुए इस बात पे, क्योंकि सच्ची बातों पे तो लोग नाराज ही हो जाते हैं, मैं क्या करूँ। लेकिन नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं, मैं नाम नहीं पूछूंगी, लेकिन कुछ लोग आपको पसंद होते हैं, कुछ लोग आपको नहीं, बहुत से हैं जो मुझे नहीं पसंद। ठीक है, यहाँ तक तो मैं ले आई, शुक्र है। ओके जी, अगर तुम्हारे सामने उसकी तारीफ की जाए जिसको तुम पसंद नहीं करती, अच्छा तो कैसा लगेगा? आई थिंक अगर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ज़रा एक्सप्रेशंस क्या होंगे? ये होता है मेरा ज़्यादातर, हाँ, अच्छा? हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ नहीं, अच्छी थी, हाँ अच्छी थी, शी वाज, अच्छा लड़का था, ही नहीं, शी वाज गुड, तुमने ही बोला, जो नहीं पसंद है वो लड़का है। Alright, just messing around. यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप सज्जल का एक नया अंदाज देखेंगे, प्यारी सी, भोली सी, बड़ी बड़ी आँखें, एक्टिंग भी बड़ी अच्छी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जो ये करती है? नहीं एक्चुअली है, और मैं हैरान हूँ, मतलब कोई इतना कैसे कर सकता है। इस ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं वो नया अंदाज, देखते रहेगा जागो पाकिस्तान। जागो रंग दे रंग दे रंग दे।
सुरमई शामों से मिलके सतरंगी सपनों में सिलके तुझ में ही मैं घुल जाऊं रंगरेजा रंगरेजा। सुरमई शामों से मिलके सतरंगी सपनों में सिलके तुझ में ही मैं घुल जाऊं रंगरेजा। होली में इश्क की खेलूं गरबे पर वाई झेलूं तुझ पाऊं खुद हो जाऊं रंगरेजा रंगरेजा। तो तमाम देखने वालों को हम बताते चले कि जो रंगरेजा जो आप ड्रामा देख रहे हैं जिसका इतना खूबसूरत गाना आपकी आप सुन रहे हैं, बहुत से लोग शायद नहीं जानते लेकिन आज जान गए होंगे कि ये जो प्यारी सी आवाज़ है ना ये सज्जल अली की आवाज़ है। प्लीज़ बैठे सज्जल। सो इतनी प्यारी आवाज़, तुम हमेशा से गाना गाती थी? नहीं देखिए, शौक तुम्हें लगता था तुम गाना गा सकती? मुझे लगता तो था कि थोड़ा बहुत गा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि जब मैं खुद गाना सुनती हूँ मैं कहती हूँ हमेशा कि गाना चाहे आए ना आए आपको सुनना ज़रूर आना चाहिए। हाँ, है ना। हाँ, तो मैं अब मुझे लगता है कि अब मैं अगर माफ़ नहीं करती गलती हो जाए कोई गा रहा हो या सुन। हाँ, तो मुझे था कि या तो मैं सीखूँ प्रॉपर। हाँ, सीख के गाऊँ। तो सीखा? सीखा नहीं एक्चुअली, मैं साइड पर ऐसी गुनगुनाने की मेरी अभी सुनने पर गा रही है तो सीख के क्या गाएगी। नहीं हाँ, अगर आप नहीं आप कह रहे हैं आप तो इतना अच्छा गाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मैं सेट पे ऐसी मेरी आदत है गुनगुनाने की। हाँ, तो एक दफ़ा काशिफ भाई हमारे मेकअप रूम में उन्हें कहते हैं मुझे कि पुत्र तू गाती है? मैंने कहा नहीं थोड़ा बहुत ही। कहते कुछ गाओ। अच्छा, मैंने उस वक्त तो बड़े मज़े से मैंने कोई गाना सुनाया और बिलाल भी वहीं पर था। तो मैं काशिफ भाई ने कहा तुमने गाना है वो ऐसी साहिर अली बग्गा के साथ? मैं तो मैंने कहा उनके सामने प्रॉपर वो तो मैं उनके सामने कैसे मैं गाऊंगी? हाँ, एक आधी लाइन गा दूंगी। हाँ, उन्होंने कहा तो मुझे रिकॉर्ड करके ना वॉइस नोट मुझे भेजो। तो मैंने नहीं भेजा, काफ़ी दिन हो गए। हाँ, उन्होंने कहा तो आज तो हम जा रहे हैं स्टूडियो। हाँ, और हम बस थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना और बस हम जा रहे हैं। वो शूट से हमारा पैकअप हो गई थी शूट रंगरेजा की, और उसके बाद अगले दिन वो सुबह में चली गई उनके स्टूडियो काशिफ सर के साथ, और बस हम नॉर्मली ऐसे बस गाया। और Are you kidding me? This is just normally gaya, record ho gaya, order ho gaya aur khatam. Bilkul aise plan day one se nahi tha. Wow. To kya hum dekhenge tumhe aur gaate hue OSTs and aista aista mainstream music scene mein aate hue? Mujhe shauk to hai lekin main seekh ke gaan. Dar dar ke bol rahi hu. Mujhe shauk to hai. Koi sunna hai to sun le. Kyunki aisa hota hai na bahut sare actors ya koi bhi agar gana shuru kare to unko oh ho chalo ji ab inhone gana bhi shuru kar diya wo wali baat hai ki ab sab karungi main sab karungi. To main chahti hu main karungi na sab, koi baat nahi. Ha, lekin main chahti hu ki main kuch theek karu, matlab karu to acha karu. Acha karu. Theek hai, aise nahi ki har OST ab Sajjal ki awaaz mein aa rahe hain. हाँ, वैसे बुराई नहीं है इसमें। एक सीरियल काम करना सिर्फ OSTs करते रहना। ओके जी, बिलाल कुछ सवाल मैंने तुमसे करने थे, आ जाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल, अगर अम्मी बगैर पूछे तुम्हारा रिश्ता खानदान में तय कर दें तो क्या तासुरात होंगे? इंतहाई गुस्सा। क्यों खानदान में नहीं करना चाहते? खानदान में अब क्या प्रॉब्लम? ना मुझे खानदान में शादी करनी है ना मुझे इंडस्ट्री से प्रॉब्लम है। एंड पे ना ये लड़के होते हैं एंड पे, जहाँ पे अम्मा ने कहना ना वो खाला की बेटी से, बस उधर ही मंगनी हो जाएगी। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ और क्या खानदान में और इस फील्ड से बाहर। खानदान में क्यों? ताकि इश्यूज ना हो। पहली बात, खानदान में कोई मेरी एज का बच्चा नहीं है, सबसे बड़ा रीजन ये है।
कजन होंगे वो हमारी दूर की उसकी बेटी नहीं दूर दूर तक everyone अम्मी ने कभी कोई दिखाई नहीं कि ये मेरी दोस्त की बेटी बहुत प्यारी है ये दिखाई अम्मी ने है बिल्कुल हाँ? दिखाई है मगर तो तुम क्या कहते हमारा दिमाग बहुत ऊपर चला गया मतलब आप लव मैरिज करेंगे हाँ जी मैं लव मैरिज करूंगा होपफुली लेकिन हमारा दिमाग बहुत ऊपर गया मतलब जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हम और भी ऊपर सोच रहे हैं सही है ठीक है जी अच्छा बस ये है कि मैंने लव मैरिज करनी है अम्मी बोले जो भी मैंने लव मैरिज करनी है अपनी पसंद से लेके आऊंगा लव मैरिज ऐसा तुम्हें लगता है ठीक है ओके जिस हीरोइन के साथ हमेशा उसका हीरो बनते हो और अब बनना चाहते हो और आप भाई के रोल कर रहे हो उसके साथ टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं है अब तक मैंने इतना काम नहीं किया हुआ तो किसी के साथ मैंने भाई होगा होता है ना कभी बार के जैसे कि यार ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है मैंने इसके साथ एक सीरियल तो करना है मैं बताऊं बता दो आयजा खान हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस है कौन ये उनके फैन है कौन कौन आयजा खान अच्छा आयजा ये फैन है नहीं मतलब honestly, ये वो वाला फैन है कि हाथ पैर काट सकता है आयजा नहीं ऑनेस्टली आई एम एक्चुअली अ वेरी बिग फैन ऑफ आयजा आयजा इफ यू आर वाचिंग यू हैव अ फैन राइट हियर शी नोस इट उसको पता है कैसे पता चला कहां तक कैसे बात पहुंची हमारा एक कॉमन देख लो दानिश तैमूर मेरा बहुत इनोसेंट रोमांस है वही तो कह रही हूं रोमांस तक पहुंच की बात बट हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है मैंने उसको बताया मैंने कहा ऐसे जनरली डिस्कस कर रहे सजल भी हमारे साथ हम डिनर पे थे तो आई टोल्ड हिम मैंने कहा यार आई एम बिग फैन ऑफ आयजा खान एंड आई वुड लव टू यू नो देयर इज ओनली वन एक्ट्रेस जिसके साथ मुझे है कि आई वुड लव टू वर्क विद एंड दैट्स ओनली आयजा खान सो आई हैव एडमायर्ड हर सिंस लॉन्ग टाइम सो देन उसने फिर आयजा खान को बताया भी आयजा के जवाब क्या था उन्होंने फिर एक बहुत स्वीटली मैसेज भेजा मुझे वॉइस नोट एक और मुझे एक लड़के का कॉल आती है मैं मतलब शाम की चाय पी रही हूं और कॉल आती है मैंने कहा हाँ बिल्लू मतलब मैं आई कॉल हिम बिल्लू प्यार से तो खैर ही ज़्यादा वो हो जाएगा अभी सब इंस्टाग्राम पे ना ओ सजल ने बिल्लू कहा प्यार वो तो मुझे सजल क्या हुआ मैंने कहा यार आयजा का मैसेज आया है आयजा ने मतलब मुझे रिप्लाई किया है इतना खुश था इतना एक्साइटेड हुआ मैं तो क्योंकि मैंने देखा था उसने बोला क्या आयजा ने उन्होंने क्या बोला मुझे अच्छे से याद है उन्होंने बोला कि बिलाल आई एम वॉचिंग योर ड्रामा ओवर अंग्रेजा आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू एंड आई एम looking forward to work with you you're super talented and ek sweet sa message unka tha how sweet that made my day but I'm sure mujhe bataye sajjal jab aapka hero kisi aur actress ka fan ho to kaisa lagta hai matlab tum bhi bahut zabardast actress ho tumhari acting bhi bahut achhi hai matlab tumhari acting ki kitni tareef hoti tarah sa hota hai अच्छा वो उस प्रोजेक्ट के बीच में अगर तारीफें कहीं और की शुरू हो जाए तो फिर होता तो देखिए थोड़ा सा तो बुरा लगता है क्यूट प्रोजेक्ट के बाद वो हो जाए जिसकी करनी कर लो नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ लेकिन लेकिन कोई डिजर्व करता हो तारीफ तो बनती नहीं है मगर कोई ऐसा हो कि यार वो बड़ी है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है करिए तुम और मुझे ना लगता हो मैं कहती हूँ कि बस रहने ही तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ओके जी नेक्स्ट ऐसा करते हैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे सोचो एक सवाल पूछ के जाऊं नहीं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं कुछ सवाल ऐसे हैं कि मैं करते करते यू सोच चू करूँ ना करूँ छोड़ो मैं चाह नहीं रही आज आई एम ट्राइंग टू बी वेरी इजी हाँ रिलैक्स सुकून आराम जिंदगी जिंदगी बहुत क्या हसीन है यहाँ वक्त में एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे देखते रहिए जागो पाकिस्तान जागो और ये इतने टैलेंटेड इनका घर पूरा टैलेंट से भरा हुआ है आई डोंट नो अगर मेरी टीम अभी कर पाए हो तुम लोग के नहीं लास्ट टाइम हमारे शो पे जब इनके भाई आए थे उन्होंने अपनी आवाज़ हमें सुना दी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ और अब सज्जल की आवाज़ ऐसे करते हैं और अंग्रेज़ा के ट्रैक से ही हम ब्रेक पर जाते हैं सुरमई शामों से मिलके सतरंगी सपनों में सिलके तुझ में ही मैं घुल जाऊं रंगरेजा होली में इश्क की खेलूं गरबे पर वाही छेलूं तुझे पाऊं खुद हो जाऊं रंगरेजा रंगरेजा रंगरेजा
इश्क की खेलो घर बेपरवाही झेलो जागो पाकिस्तान जागो सुरमई शामों से मिलके सतरंगी सपनों में सिलके तुझ में ही मैं घुल जाऊं रंगरेजा होली में इश्क की खेलूं घर बेपरवाही झेलूं तुझे पाऊं खुद हो जाऊं रंगरेजा रंगरेजा अब कुछ मैं आपको हिंट्स बल्कि तस्वीरें दिखाऊंगी okay. बचपन में स्कूल में मुहावरे तो पढ़े होंगे उर्दू में कौन अच्छा था मुहावरों में मैं बहुत बुरा था मुहावरों में बहुत बुरा बुरे थे बहुत आप अच्छी थे ठीक है तो सबसे पहले जो बुरा था उससे स्टार्ट करते हैं बिलाल से आपको तस्वीरें दिखाएंगे okay. और उससे आपको यकीनन याद आ जाएगा कि मुहावरा क्या है ठीक है ना लेकिन उसके लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा ताकि आप सामने स्क्रीन पे तस्वीर देख सके ठीक है सबसे पहले मुहावरे की तस्वीर दिखाते हैं भैंस और साथ में बीन याद आ रहा है बहुत इजी है भैंस के आगे बीन बजाना वेरी नाइस ओके जी नेक्स्ट दिखाएं हाँ जी आप बताएं मैं बोलूंगी तो आपको पता चल जाएगा क्या है दो क्या चीजें हैं हिंट क्या देंगे बिल्ली और ये क्या चीज है पोल खंबा हाँ खंबा बिल्ली और खंबा बिल्ली और खंबा मैं ही होता हूँ बता दो कुछ नहीं जी मैं भी अभी आऊँगी वहाँ पे याद है आ रहा है ये बिल्कुल भी नहीं आता बिल्कुल ऑडियंस की हेल्प चाहिए ऑडियंस की हेल्प चाहिए कौन मदद करेगा माइक दे जल्दी से माइक दे जो हाथ उठा रहा है उसको माइक दे ऊपर टॉप पे क्विकली ओके जी बताएं किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वेरी नाइस ओके जी जबरदस्त सामने दिखाएं स्क्रीन पे ओके ये पानी है बहती गंगा में हाथ धोना वाह 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 वेरी नाइस अच्छा ठीक है आपको भी सलूट है क्या आपने बहती गंगा में हाथ हाथ बनाए थे जबरदस्त ना मेरी टीम के लिए भी तालियां होनी चाहिए ओके जी नेक्स्ट दिखाएं ये क्या है ये तो रितेश देशमुख है हाँ सही कह रहे हो ये इसके हाथ में गन भी है ये क्या लग रहा है तुमको एक पुलिस के पास होती है गन दूसरी किसके पास होती है ये नहीं 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 मैं बताता हूं देखो एक तो पुलिस के पास होती है गन और दूसरी किसके पास होती है मैं समझ उल्टा चोर कुतवार कुतार वापस दिखाइए भाई पुलिस किसको पकड़ती है चोर की दाढ़ी में तिंका वो तिंके से पॉइंट आउट हो रहा है आई लव हाउ आप लोगों ने तिंके कैसे पॉइंट आउट किया हुआ है लंबा तिंका नजर भी नहीं आ रहा है ऐसे मुझे तो आया था बहुत गौर से नेक्स्ट तिंका कम एरो ज्यादा लग रहा है अंगूर से एक की मुहावरा मुझे याद है हाँ इतनी एक्टिंग नहीं करो मुझे लगता है तुमने देख लिया था तुम एक्ट कर रहे हो कहीं मेरे हाथ में जो मेरे नहीं नहीं मैं नकल नहीं करता अच्छा पक्का बचपन में कभी किए बहुत किए तो तुम्हारी आंखें भी इतनी मासूम शक्ल भी इतनी मासूम पता भी नहीं चलेगा कभी इसने देख लिया नहीं नहीं बट मैंने नहीं देखा क्या है ये हेल्प लेनी है लाइफलाइन है मैं हेल्प करूं नहीं ये बहुत आसान है मैं कर दूंगा अंगूर तो है अंगूर खट्टे हैं आजकल अंगूर बहुत मीठे हैं ओके जी एक आखिरी वैसे मैंने सारे सही बताए वेरी गुड आई एम इंप्रेस्ड Oh, so cute!
वही है जो मैं अक्सर तुम्हें कहती हूँ। हाँ तुम कहती हो। मजाक कर लूँ। बंदर है फिर से दिखाएगा फिर से के साथ। बंदर के साथ ही है क्या वैसे? अदरक मैंने ये सुना भाई मामला बहुत। पूछो ऑडियंस से। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपकी प्रिंसिपल के लिए जोरदार तालियां। उर्दू की क्लासेस बहुत अच्छे से इन्होंने अटेंड किए इन सारे बच्चों ने, क्योंकि इन सबको मुहावरे आते हैं, तो प्रिंसिपल के लिए जोरदार तालियां। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच बिलाल, फैंटास्टिक। बिलाल के लिए भी तालियां। एंड सजल, अब आपकी बारी। सबसे पहला ही सबसे आसान है। ठीक है ठीक है। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत कहती भी होगी। दिखाइए जी स्क्रीन पे, ये क्या है? ये क्या है? ये बहुत क्यूट है यार। टीम आई लव यू गाइस, इतना क्यूट है ये। ये क्या है भाई? खाने की चीज है। रोज जो खाते हैं ना मम्मी को कहते हैं खुदा के लिए ये चावल और ये बनाना बंद करें। डैश और चावल अचार के साथ। चावल के साथ क्या खाते? दाल। हाँ हाँ ये दाल है। दाल में कुछ काला है। हाँ। वो नजर नहीं आ रहा तो मैं काला रंग लगाया छोटा सा। क्यूट बीच में काला डाला। ओके नेक्स्ट दिखाएं। ओ माय गॉड, कि जिसने भी बनाई बड़ी मेहनत की है। बहुत इंजीनियस है रेहान भाई ने। क्या बात है रेहान भाई, मजा आ गया। मगर ये क्या है? देखो ना क्या हुआ, हाथ पे उसके चोट लगी है। और वो ऊपर क्या है? पानी तो नहीं है। वापस दिखाए, पानी नहीं है। मेरी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। दिखा देगा वापस दिखाए प्लीज। ये क्या है? सुबह सुबह अंडे के ऊपर क्या होता है? नमक, जले में नमक छिड़कना। यस ओके जी नेक्स्ट, एक और दिखाए, मजा आ रहा है। दो तलवारें हैं और बीच में डंडी है। तलवार किसको पता है? मैं देखो मैं तुम लोग को तोहफा दूंगी, ऐसी हाँ। नहीं बोलना, माइक हाथ में रखो। तलवार। हाँ दो तलवार। तलवार नहीं पता। दो तो तलवार बता। दो तलवार हाँ। नहीं मुझे नहीं, नहीं आता। ओके जी माइक ऊपर दे जिन्होंने हाथ उठाया। ब्लैक एंड व्हाइट। एक मयार में दो तलवारें। नहीं रह सकती। फैंटास्टिक ये। ओके जी बस हो गया। नहीं 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 तुम्हारा नेक्स्ट, जब तक मैं इनको तोहफा दे के आती हूँ। जोरदार तालियां इनके लिए। नेक्स्ट दिखाएं स्क्रीन पे। कंग्रेचुलेशन। और इससे पहले आपने बताया था आपका भी तोहफा मैं देती, बल्कि तुम मेरे साथ आ जाओ ना, आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आओ अल्लाह हाथ भी छोड़ दिए। ये ले जी। ओके नेक्स्ट। ओके ये तो मुझे आता है, बहुत आसान है। कितना आसान है इसको, क्या कहते हैं हम? किसी के घर में देखते हैं तो इसका एक ही नाम होता है, क्या बोलते हैं? अरे मियां मिट्ठू। इसको तो मिट्ठू कहते हैं। और हाँ सही कह रही हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू। गुड गुड, सही बोला है तुमने। ओके नेक्स्ट दिखाएं। नेक्स्ट। ओ दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी तस्वीर है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अच्छा मुझे अब देखो, दो दो तस्वीर है ठीक है। एक जगह क्या हो रहा है? देखो गैलेक्सी है। हाँ। बादल भी हैं, चांद भी है, और दूसरी साइड पर खामोशी है। एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ कितना सब कुछ हो रहा है, चांदनी। मुझे नहीं, नहीं पता। मुश्किल है, किसको पता है? ऊपर ऊपर माइक ऊपर दे जी। बरसते वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जल्दी से लाके इनको तोहफा दे। ये बनाई पिक्चर्स ऐसी हैं भाई, मेरे पास तो यही है। हैं कहां है ना? दिखाएं फिर से, दिखाएं इनसे, इनसे तोहफा वापस लीजिए। सॉरी जी ये है। नहीं नहीं आप तोहफा अपने पास ही रखें, लेकिन ये है चार दिन की चांदनी। फिर अंधेरी रात। फिर अंधेरी रात है। सॉरी 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 मेरी भी गलती होगी। नेक्स्ट दिखाएं। कोई बात नहीं, तोहफा आपका हुआ। ये क्या है? हलवाई की कोई दुकान है। ओ वेरी इजी यार। ये क्या चीज़? मिठाई की दुकान है। अपने दुकान तो मुहावरे में भी दुकान है ठीक है। क्या दुकान वाला मुहावरा किस में आता है? अच्छा खाने में जब टेस्ट नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं? फीका।
तो ऊंची दुकान फीके पकवान. वेरी नाइस. अच्छा मैंने शूटिंग करवाई है ना, बहुत ज्यादा ऊंची बोली थी. नेक्स्ट. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. ये तो मैंने बोल दिया था लेकिन ये बहुत अच्छा वीडियो अच्छा बनाया. ठीक है जी, आखिरी. ये कितना आसान है. बचपन में सबसे पहला मुहावरा यही सिखाते थे हमें, खजूर का दरख आसमान में अटका, खजूर में आसमान से अटका, खजूर से निकला और हमने खजूर खा लिया. आसमान से गिरा, खजूर में अटका. ये विजुअल फिर से करके दिखाना. आसमान से गिरा, खजूर में अटका अटका अटका. ऑलराइट जी, जोरदार तालियां. मेरे मुश्किल थे. और बड़ा ऑब्वियस है कि यहाँ विनर कौन है. मैं नहीं कहना चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस बताए कौन जीता है. जी बिल्कुल, बिलाल जीते हैं और बिलाल को जीतने में तोहफा मिलता है. वो तोहफा ये है कि वो इस कैमरा पे ब्रेक पे जाएं. ये तोहफा है? हाँ ये तोहफा है. ठीक है, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद बहुत मजे मजे की बातें. देखते रहिए जागो पाकिस्तान जागो. जिस वक्त मुझे जरूरत थी कॉन्फिडेंस की, उस वक्त तो तुम लोगों ने जरा भी नहीं दिया. अब क्या फायदा. बट थैंक यू सो मच. ऑलराइट जी, कमिंग बैक टू सजल एंड बिलाल. अथर बहुत अच्छा गाया, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ गया और तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. अच्छा जी, कुछ सवाल है मेरे पास, लेकिन इन सवालों से पहले तमाम देखने वालों को बताएं और अंग्रेजा जो देख रहे होंगे, जो फॉलो कर रहे होंगे, 11 एपिसोड्स हो चुकी हैं और अभी ढेर सारी एपिसोड्स रहती हैं. आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुल रही है, इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है और फ्राइडे को आता है और अंग्रेजा फ्राइडे PM रात 8 बजे. अब तक क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं?
रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है. और शुरू के क्योंकि कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं कि आप अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा होता है, लेकिन स्टार्ट से ही लोग बिल्कुल अटैच हो गए हैं प्रोजेक्ट के साथ. अच्छा, कैरेक्टर्स से भी? कैरेक्टर्स से भी. जबकि मतलब ऑब्वियसली जो ड्रामे की हीरोइन होती है वो थोड़ी इनोसेंट यूजुअली ड्रामो में. एक अनयूजुअल प्रोजेक्ट नहीं लग रही उसमें है ना, मैं नहीं हूँ. और थोड़ा सा हमें था, डर था इस बात का कि अगर लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया ऐसी हीरोइन को, हाँ, लेकिन वो अटैच ऐसे हुए हैं. मतलब आई वाज इन लाहौर, मैं वहाँ पे बच्चे, मतलब कि सस्सी, उस लड़की से लोग बहुत अटैच हुए. ये कैरेक्टर की सक्सेस होती है, सक्सेस. हाँ, और तुम्हें क्या कहते हैं लोग? बहुत बहुत अमेजिंग रिस्पांस. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. पता था इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, अच्छा रिस्पांस होगा, बट जिस लेवल का रिस्पांस है. वर यू एक्साइटेड टू नो कि तुम एक सज्जल के साथ काम कर रहे हो एंड देन दिस बिग प्रोजेक्ट? या ये पूरा पैकेज ओवरऑल इट वॉज अपीलिंग इनिशियली, बट इतना अच्छा एक्सेप्ट होगा, इतना अच्छा फीडबैक मिलेगा, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. ऑनेस्टली द बेस्ट थिंग इज कि आपको जब लोग आपके नाम से नहीं, आपके किरदार से आपको जाने, वो आपके लिए अचीवमेंट होती है. एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग दैट फीडबैक. अगर मैं कहीं जा रहा होता हूँ एंड आई फील गुड, अगर किसी को मेरा नाम नहीं पता बट दे नो मी विद कासिम, लाइक कासिम है ये. सो कासिम बहुत फेमस, और डॉक्टर असफंद यार भी बहुत फेमस, सस्सी भी फेमस. आजकल सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है. एक कॉल है हमारे पास. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सनम? बिल्कुल ठीक. अस्मा बात कर रही है कराची से? जी जी बिल्कुल, मैं अस्मा बात कर रही हूँ. जी अस्मा, क्या कहना चाहती हैं? बस ये कि इनका ड्रामा बहुत जबरदस्त है, और जिस तरीके से सज्जल ने अपनी एक तरह से देखा जाए तो खवातीन के लिए जो बात करी है कि जो शौहर अपनी वाइफ को देख बनाना बना के कुछ और रखना चाहता है लेकिन देखना कुछ और चाहता है. जी जी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा, बहुत वाकई बहुत अच्छा सीखने को मिला ड्रामे से. वाओ लवली. और बिलाल के किरदार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिलाल का किरदार भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसमें ये भी दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा दबा हुआ जो बच्चा होता है ना, जिसको बहुत दबा के रखा जाता है, वो बहुत जबरदस्त एक्टिंग प्ले करी है इन्होंने. थैंक यू सो मच. जी जी, आई एम ग्लैड क्योंकि मुझे यही चीज हो रही थी करते हुए कि मे बी शायद ये चीज़ नोटिस होगी या नहीं होगी, ये चीज़ रजिस्टर होगी, बट आई एम ग्लैड. थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग इट एंड अप्रिसिएटिंग इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल. बहुत सी दफ़ा चाहा नहीं सीरियल में कभी कह दूँ मैं कुछ, निकल जाऊँ कुछ इसमें बोल दूँ. हाँ, कभी होता नहीं. इस सीरियल में बहुत आगे जाके इस कैरेक्टर की पूरी बहुत शेड्स है, लाइक इट्स नॉट वन ट्रैक कैरेक्टर. ऐसा नहीं रहेगा, मतलब होगा कुछ. हाँ हाँ, ऑब्वियसली इसमें बहुत शेड्स है. आई एम श्योर सचिन देख रही है, व्हाट आर यू डूइंग. नहीं बट बहुत सी दफा मैं स्टोरी नहीं बिल्कुल नहीं मैं वैसे बट बहुत सी दफा ऐसा होता है ना कि आपका दिल चाहता है आप जवाब दें, बिकॉज आप इतने अरसे से एक ही कैरेक्टर में होते हैं कि आपका दिल चाहता है ना कि यार इसमें तो उस लड़के को ये करना चाहिए था, ये अभी भी क्यों चुप है. अब होता है ऑनेस्टली, अब जब मैं देख रहा होता हूँ ना तो मुझे अब हो रहा होता है देखिए, क्योंकि वो एक मुझे ये चीज़ नहीं होती कि चुप क्यों है, मगर वो आप जब अपने आप को स्क्रीन पे देखते हैं ना तो बहुत क्रिटिकली देख रहे होते हैं. तो वन थिंग दैट मुझे अब कभी अपना काम पसंद किसी को आई डोंट थिंक सो किसी एक्टर को आता होगा, तो वो चीज़ हो रही होती है कि अब मैं कोई सीन देख रहा होता हूँ तो मेरा फोकस इस बात पर होता है कि काश इस टाइम पर मैं ऐसा कर लेता, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे वो डिलीवर करता, इस लाइन को मैं ऐसे करता, वो चीज़ें तो आई थिंक रहती है हमेशा. हाँ. हर एक्टर के साथ. अच्छा, अब मेरे पास कुछ सवाल है आप लोगों के लिए, और मेरी ऑडियंस के पास ग्रीन और रेड रुमाल है, तो इनके पास दो रुमाल है, तो अब होगा ये कि मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी उसका सवाल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इनको लगता है सही तो वो उस हिसाब से रुमाल उठाएंगे. मतलब कि अगर ग्रीन मतलब उनको लगता है कि आपने सही बोला, अच्छा ठीक, रेड मतलब गलत बोला है, मतलब झूठ. ठीक है जी, तो सबसे पहला सवाल आप दोनों से, अगर आप इनविजिबल होते तो सबसे पहले कहाँ जाते? Invisible अगर अच्छा. कहाँ जाते? मैं हर एक की प्राइवेसी को इन्वेट करना चाहता हूँ. That's all. मैं जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ या फिर किसी की प्राइवेसी जानना चाहता हूँ, उनकी प्राइवेसी को मैं सारी बातें सुन के आता हूँ. जरूर, क्या लगता है? ये तो सच है यार. हाँ, सब ऐसा ही करते हैं. वाह भाई वाह. ओके जी सज्जल, आई थिंक मैं मोबाइल में कहीं जाना चाहती हूँ, लोगों के फोन में, तो वही प्राइवेसी इन्वेट करना. हाँ, वही एक ही बात हुई. ठीक है जी, क्या लगता है? एक को लग रहा है झूठ. छोड़ो छोड़ो, सही कह रही है. हाँ. अगर आप पर कोई मूवी बने तो उसका जॉनरा क्या होगा? आई थिंक जो मैं करना चाहूंगा. हाँ. नहीं, बने अगर आपकी जिंदगी पे बने. मेरी जिंदगी में बने जॉनरा क्या होगा? कॉमेडी.
कॉमेडी कॉमेडी या ओके ओके सज्जल आई थिंक कुछ कुछ यू नो रोमांटिक कॉमेडी रोमांटिक होगा रोमांटिक होगा वो बड़ी कोई वैसे रोमांटिक शख्सियत हो उसको हंस के क्यों देख रही हो उसको पता नहीं नहीं हमने ऑब्वियसली 3 महीने साथ काम किया और बिलाल पांच महीने बिलाल वी नो ईच अदर अ लॉट और इनसाइड आउट हमें एक दूसरे वी आर वेरी क्लोज या हम लोग को एक दूसरे के काफी सीक्रेट्स पता है तो इतनी देर से चुप क्यों तुम लोग एक दूसरे के बारे में बैठे हो कुछ बताते तो सही नहीं ना तो हम लोग ने नहीं रिवील कर वादा किया है ना साइन हुआ वैसे हम ये रिवील नहीं कर सकते वो वाली बात सॉरी वी आर जस्ट फ्रेंड्स ठीक है जी दे जस्ट फ्रेंड्स ओके अगला सवाल ईमानदारी से अपनी कोई 3 बुराइयां बताएं मैं बहुत लेजी हूं और मैं बहुत ज्यादा सोता हूं अच्छा बुराई के लिए आ ही नहीं रहा इनके ज़हन में हां मैं बहुत लेजी हूं बहुत ज्यादा सोता हूं और मैं बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं लेजी हूं और बहुत ज्यादा सोता हूं क्या लगता है गुड ओके सज्जल आई थिंक मैं बदतमीज हो जाती हूँ जहाँ पे मुझे नहीं मतलब नहीं होना चाहिए हाँ हो जाती हूँ और मैं सोच के नहीं बोलती ठीक है बस मैं बड़बड़ बोल देती हूँ है ना तीसरी और तीसरी बुराई मेरी ये है कि तीसरी नहीं है मतलब दो बुराई हैं दो सिर्फ दो बुराई हैं मतलब एक इंसान बदतमीज है मतलब कभी कभी हो जाता है इससे बड़ी क्या बुराई है एक इंसान बदतमीज है मतलब इससे बड़ी क्या बुराई है तालियां होनी चाहिए इस पे केयरलेस भी हूँ मैं केयरलेस 3 हो गई ठीक है जी अच्छा अगर अम्मी के कोई ददियाल अम्मी कैसे कौन से ददियाल वाले रिश्तेदार हैं जिनको अम्मी नहीं पसंद करती ददियाल ददियाल अक्सर ददियाल वाली नहीं पसंद करती अपने तो पसंद करती ज्यादातर पप्पो आई एम सॉरी पप्पो तुमने बोल क्यों दिया ओह माय गॉड बिलाल आर लाइव इट्स ओके सुनो बिलाल मैं रात को जो रिपीट चलेगा उसमें एडिट करा नहीं नहीं मैं अपना बता रहा हूँ सॉरी नहीं मैं अपना बता रहा हूँ Stop making it awkward, yaar. Okay. No, he's got the guts to say that. क्योंकि सब डरते हैं ना. वो एक लड़की का वो Snapchat पे वो जो फुप्पो बनती है फुप्पो. मैं. आपने देखा था ना? मैं आपको WhatsApp करूँगी. अच्छा तुम अपना बताओ. अम्मी कौन से ऐसे ददियाल के रिश्तेदार से को बिल्कुल पसंद नहीं करती? अच्छा मेरी अम्मी बहुत close थी अपने in-laws में मेरे ददियाल में. तो कोई भी ऐसा नहीं है. कोई भी ऐसा नहीं है. ठीक है जी यहाँ मेरे शो का वक्त खत्म होता है थैंक यू सो मच आज शो पे आने के लिए बहुत मजा आया एंड ओ रंगरेजा फ्राइडे रात 8 बजे जरूर देखिएगा बिकॉज अभी तो कहानी शुरू अभी तो शुरू इज देयर एनीथिंग दैट यू गाइस वुड लाइक टू से टू द पीपल हु आर वाचिंग मैं एक चीज कहना चाहूंगा टू ऑल द व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ओ रंगरेजा इतना प्यार देने के लिए एंड ट्रूली आई एम ओवरवेल्म्ड और जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है थैंक यू सो मच कांट थैंक यू ऑल इनफ थैंक यू मैं भी सबको आई थिंक एक एक्टर को तारीफ उसकी दवा होती है तो जितनी तारीफें हमने ओरंगरेजा से अभी तक के एपिसोड्स में समेटी हैं आई होप कि मैं 26 तक भी ये सब तारीफें और ज़्यादा बरकरार रहे और आप लोगों का हमारा काम इसी तरह पसंद आए थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू और ज़रूर देखिएगा ओरंगरेजा फ्राइडे रात 8 बजे फीडबैक भी दीजिएगा इसके साथ अपना ख्याल रखें कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ नई बातों के साथ और नए मेहमानों के साथ तब तक अल्लाह तुझे पाऊं खुद हो जाऊं सपनों में सके तुझ में ही मैं